हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में बधाई और शुभकामनाएं। प्रोविजनल पैनल 4 का एलपी एंड टेक्नीशियन वेटिंग लिस्ट के क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि क्लियर हुआ। और कह सकते हैं कि ये छोटा सा पैनल है और ये फाइनल पैनल हो सकता है अगर इक्का दुक्का पोस्टों को छोड़ दिया जाए। साउथर्न रेलवे, RRB, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम कह सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल कटअप भी जारी हो चुका है। आपका पैनल के बाद का कटअप क्या हो गया है, और बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती आईटीआई केसों में, तो आईटीआई केसों में 41 का यूआर का यहाँ भी एक आध कैटेगरी में हुआ है और कई और कैटेगरियों में लोअर कटअप रहा है। तो देख सकते हैं आप, इस पैनल को देखने के लिए हम चलेंगे वेबसाइट पे बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे हमें तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम की वेबसाइट यहाँ खोल लेते हैं। तिरुवनंतपुरम, नीचे के थिरुवनंतपुरम में नीचे की तरफ अगर वेबसाइट पे आते हैं तो नीचे की तरफ दिखेगा एक एक करके। हालांकि यही दिख रहा है रिजल्ट फॉर सिलेक्शन फॉर पोस्ट फॉर टेक्नीशियन 4 है, लेकिन हम नीचे की तरफ आ जाएंगे थोड़ा और एलपी वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो एलपी सेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला सेक्शन है 1/18, जिसमें रिजल्ट फॉर सिलेक्शन पोस्ट एलपी एंड टेक्नीशियन, साथ में इसी में कटअप भी दे दिया है। कटअप के लिए अलग नहीं जाना है आपको, क्योंकि पैनल छोटा है और कटअप ही मेन मकसद है इसमें। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट फॉर, डेट है आज 27/2/2020, और यहाँ पे रिजल्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट फाइनल यहाँ है कह सकते हैं। इसके पहले भी 3 पैनल आ चुका है और ये चौथा पैनल है जिसमें आपको कह सकते हैं कुछ ही वैकेंसी खाली है, ध्यान दीजिएगा। और ये कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिट है, उनको लिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें कंडीशन के लिए आपको साउथर्न रेलवे से ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस के लिए भेजा गया है। उनके बाद आपका RRB का काम यहाँ समाप्त हो जाता है। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तब आपको सारा कम्युनिकेशन पर्सनल चीफ ऑफिसर साउथर्न रेलवे से होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने लिखा है सारी कंडीशन को लिखते हुए, उन्होंने पैनल जो बनाया है उसमें एक लाइन और लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर और स्टैंड बाई कैंडिडेट का भी आ गया है इसमें। यानी जो वेटिंग क्लियर होना था अभी की कंडीशन में सप्लीमेंट्री पैनल को छोड़ के, तो यहाँ पे वो क्लियर हो चुका है। कुछ कंडीशन में इन्होंने कहा भी है, कुछ वैकेंसी को खाली भी रखा है, वो कौन सी कंडीशन को, तो एक बार हम इसको ढूंढ लेंगे कहाँ लिखा हुआ है। देखिएगा, विथ रिजल्ट ऑल एलपी वैकेंसी एक्सेप्ट 1 OBC, एक OBC के अलावा UR की, ST की, SC की सारी पोस्ट फिल हो गई है। यानी OBC की एक पोस्ट LP में बचा हुआ है, वो हो सकता है किसी कारण से, इन्होंने लिखा हुआ है गाइडेंस के द्वारा हॉनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इनाकुलम, इनके आधार पे ये कुछ पेंडिंग होगा केस, इसलिए खाली रखा गया है। वैसे ही टेक्नीशियन की ऑल पोस्ट फिल हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। यानी अब वेटिंग यहाँ से क्लियर डायरेक्ट नहीं होगा, होगा तो आपको सप्लीमेंट्री पैनल या रिप्लेसमेंट पैनल से होगा, ध्यान देने वाली बात है। इस पैनल में आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जितने भी LP की पोस्ट आई है वो टोटल 8 रोल नंबर है। कैटेगरी नंबर 2 LP मैकेनिकल, उसके बाद एक टेक्नीशियन का भी आया है 134 में जो PCM का है, सिग्नल डिपार्टमेंट में 8 टेलीकम्युनिकेशन का आया हुआ है ये कैंडिडेट का। यानी टोटल 10 लोगों का यह पैनल है, छोटा पैनल है 4 नंबर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पैनल होता है समाप्त। अब उम्मीद खत्म अभी के लिए, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस सप्लीमेंट्री या रिप्लेसमेंट पैनल नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब कटअप की बात करेंगे तो कटअप लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कटअप गया होगा, तो देखेंगे। UR का देखें तो यहाँ 74 पोस्ट आया है, SC का 54 आया है, ST का 38 LP में हो गया है, OBC का 71 हो गया है। हालांकि LP की पोस्ट यहाँ बहुत कम थी, फिर भी कटअप ठीक मैनेज हो गया लास्ट लास्ट तक।
खास करके एसी और एसटी का कटअप बहुत दूर नहीं किया है। अब उसके बाद 7 नंबर ब्लैक स्पीड टेक्नीशियन का है, इसमें कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया है, खाली रह गई पोस्ट। उसके बाद कैटेगरी नंबर 25 CNW में, ध्यान से देखिएगा, 41.63 UR का कटअप है आउट ऑफ 100, 100 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद 41 नंबर पे UR का सिलेक्शन है, 35 नंबर पे OBC का सिलेक्शन है, 27 नंबर में ST का और 30 नंबर में SC का। तो क्या रेलवे में जॉब चाहिए, इससे ज़्यादा कम पे उम्मीद कर सकते हैं क्या क्वालिफाई मार्क्स पे? तो क्वालिफाई पे टेक्नीशियन पे जॉब मिल गई कि CNW में, बधाई हो। अगला कैटेगरी आपके पास डीजल मैकेनिक 31, 54, 35, 41, 48, अच्छा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ख़ास करके एसी के लिए तो 35। उसके बाद आप डीजल इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो 42, 41, 41, 47 आउट ऑफ 100, 47। अब यहाँ डीजल मैकेनिकल में एक चीज़ और देखिएगा, कम पोस्ट होगा इसलिए ध्यान देने वाली बात है, UR की कट ऑफ 42 और OBC की कट ऑफ 47, क्योंकि हो सकता है एक या दो पोस्ट होगा जिसमें OBC जो एज बेनिफिट वाले कैंडिडेट होंगे उनका एज नहीं लिए होंगे और उनका नंबर ज़्यादा हो गया इसलिए UR का कट ऑफ यहाँ ज़्यादा हो गया, या CBT 1 में एक OBC में क्वालिफाई किए होंगे इसलिए CBT 2 में UR में पोस्ट नहीं मिला। अगला कैटेगरी नंबर इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी बिल्कुल नॉर्मल 40 कटअप, ST के लिए 33 कटअप और OBC के लिए 52 कटअप, ध्यान से देखिएगा, UR का 40 और OBC का 52, फिर वही कंडीशन होगी, पोस्ट कम होगा और कैंडिडेट की संख्या। अगला कैटेगरी ट्रेन लाइटिंग, 48 नंबर कटअप और 51 नंबर कटअप OBC का। अगला कैटेगरी 51 TRD इलेक्ट्रिकल, 48 UR का और 48.45 OBC का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैटेगरी में OBC का कटअप सबसे ज़्यादा गया है, सबसे ज़्यादा कटअप OBC का गया है मैक्सिमम कैटेगरी में, एक हाथ की छोड़ दिया जाए क्योंकि CNW में देखिएगा कम है, बाकी और में मैक्सिमम में लगभग ज़्यादा गया है यहाँ 34, 47, 49, 51। 52 में भी देखिएगा TRD OG में 42 UR का, 49 OBC का। उसके बाद आपका 53 नंबर में देखें 41 और यहाँ पे ST का 34 और बाकी हो सकता है वैकेंसी नहीं हो ST और OBC का। तो ये कम्युनिटी का वैकेंसी था। उसके बाद अगला कैटेगरी आपका रिप्रेजेंट एंड एयर कंडीशनिंग 126 नंबर, OBC का कटअप 58, UR का कटअप 48, AC का कटअप 53। उसके बाद सिग्नल 18.82.81 UR, 65 आपका ST, 64 आपका ST, AAC है सॉरी, इधर ST है, और 82.13 OBC, दोनों बराबर बराबर है। इधर एक सर्विस मैन और PWD का है, ध्यान दीजिएगा। 136 टेलीकम्युनिकेशन में 82, 88, 65, 61, 66, 51 और 81, 95 इधर भी एक सर्विसमैन का। उसके बाद टेक्नीशियन ट्रैक मशीन में 46 केवल UR की पोस्ट होगी इसलिए, और ब्रिज वाले में OBC का 44 और वर्कशॉप एल्डर में 31। इसके अलावा शायद अब पैनल नहीं आएगा, आएगा तो सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट पैनल के लिए आएगा। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ देखा, एक बार देखा OBC की अगर कम पोस्ट रहने पे OBC का कटअप UR से ज़्यादा जाता है, दूसरा चीज़ हमने देखा कि क्वालिफाई मार्क्स 40% UR का, 30 मार्क और 30 मार्क OBC ST का और 25 मार्क ST का, इस पे भी सिलेक्शन होने की उम्मीद बनी हुई थी इस बार, उसके आसपास हो सकता है 2 नंबर ज़्यादा आ गया तो कैंडिडेट का कटअप बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके आसपास भी जॉब मिला है। तो कह सकते हैं मुंबई में हमने देखा, कोलकाता में भी देखा, ITI टेक्नीशियन का खास करके अभी भी कैटेगरी में जॉब अच्छी कैटेगरी से मिली है, और कह सकते हैं कि मेहनत कम अच्छी आउटपुट मिली है ITI पे। चलिए बधाई हो, थैंक यू।